और कुर्ता पजामा हम ले क्यों रहे हैं, हमारी नई गाड़ी की डिलीवरी आने वाली तो वहाँ पहन के जाएंगे। तो आज हमारे पार्क में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है, अभी यहाँ पर तिरंगा लहराया जाएगा। एक हमें ये फोन भी अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा मिनी है। तो प्रीति दुकान वाले भैया से लड़ने जा रही है। भाई ये जो पीछे औरत बैठी है ना, इसका मास्टरमाइंड पता क्या चल रहा है। ओ भाई ये क्या करंट ऐसा लग रहा है, ये प्रीति का फोन ऑन हुआ और मैसेज देखो कैसे आ रहे हैं। अच्छा ये वर्ड क्या है, ये एक स्पेलिंग है बंदे का, ये पूरा नाम पढ़ रहे हैं। अच्छा ये ओके पढ़ना नहीं आता, ये सैटेलाइट टावर में क्यों क्या हुआ, कह रही स्ट्रेट लाइट टावर है। क्या बोलता स्ट्रेट लाइट में आया, कह रही तुम गलत बोल रहे, चलो पूछवाती हूं। ओ भाई स्ट्रेट लाइट टावर हेलो। और इसकी कोई हम ऐसे वीडियो बनाते ना तो बाद में वीडियो बंद करने के बाद कहती है इसको काट दियो ये वाले। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक नई वीडियो में। आज हमारे दिन की शुरुआत तिरंगे के साथ हुई है, देख रहे हो ये लगा हुआ। अरे बाप रे बाप, जमीन बहुत ज्यादा गर्म है, साइड पर आया था। एक यहाँ लगा है, दो वहां लगे हुए हैं, एक हमारे घर के छत पे लगा है। एक्चुअली जो हमारे एरिया के अध्यक्ष है ना, वो आज सुबह सुबह आए थे, हर घर में दो तिरंगे उन्होंने बांटे हैं। बांटे क्या, साथ में लगा कर भी गए हैं, चाहे यहाँ लगे चाहे छत पे लगे, सबके घर पे लगे, मतलब पूरे एरिया में जितने भी घर है ना, सबके घर में आपको दो तिरंगे नजर आएंगे। पूरे पार्क में भी तिरंगे तिरंगे लगे हैं भाई। और सामने कोई मीटिंग में बैठ रही है, बहुत जरूरी। क्या आने वाली है, 56 जनवरी आने वाली है ना। क्या 56 जनवरी? 56 जनवरी नहीं, 15 अगस्त आने वाला है। 26 जनवरी नहीं। तो बाहर आ गई है बारिश और अब हमारा घर बनेगा धोबी घाट। और ये औरत ऐसा टाइम पास है ना, आराम से बैठी है। तीरथ आपने चलना है। अच्छा एक बात बता, शैंकी भी चल रहा है, मोबाइल लेने तूने जाना है या नहीं जाना? यहाँ पे बज गए हैं 4:30 और मोबाइल नहीं मिलेगा ना, तू हिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, तू यहाँ चलेगी, दुकान ही बंद हो जाएगी। तो अभी अपना प्लान क्या है ना, जो प्रीति का मोबाइल दिया था ना हमने 4 दिन पहले ठीक होने के लिए, वो शायद ठीक हो गया। भैया कह रहे अभी टेस्टिंग पे रखा हुआ है, 3-4 दिन से कॉल कर रहे कि भैया ठीक हुआ करे, अभी भी टेस्टिंग चल रही है। अगर ठीक हो गया तो शाम को दे दूंगा, अगर नहीं ठीक हुआ तो नहीं मिलेगा। तेरे में अक्कल है कि नहीं है, इधर आ तू पहले। ये क्या क्या मार रहा था, दिखा तो दे। ये देखो मेरे को ये डंडी मार रहा था, ये वाली अक्कल। एक बार तिरंगे आपको बाहर से दिखाते हैं। काय की मीटिंग चल रही है बाहर, काय की मीटिंग चल रही है, नहीं है आज वो तिरंगे की फ्लैग सेरेमनी। तो आज हमारे पार्क में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है, अभी यहाँ पर तिरंगा लहराया जाएगा। ये सामने पोल है ना, इसके ऊपर ये बताओ, ये पार्क का सब बहुत पुराना पोल है। बहुत पुराना पोल है, ओके। आज कहीं नहीं है, सब बाजार बंद है। फोन लेने जा रही हूँ अपना। ये दूध की बोतल कहाँ लेके जा रही है? प्रोटीन शेक पिएगी। अच्छा तुमको पड़वा दिख जाती है। ओ भाई प्रीति ने अपनी तेज नजरों से देखा, शाम को पकोड़े भी मिलेंगे, स्नैक्स स्नैक्स सब कुछ है, वो देखो सामने। तो तू रुक जा, मत जा, हम तेरा फोन ले आएंगे। पकोड़े छोड़ के जा रही है पागल, ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। इतना चैलेंज में जाऊं तो मुझे अभी डब्बा मिल जाए, इतना चैलेंज में जाऊं तो मुझे अभी डब्बा मिल जाए। काय का डब्बा, देखो बुक बैग मिठाई का। हाँ, इसको ना अंदर से बड़ा वो हो रहा है कि मैं क्यों फोन लेने जा रही हूँ, क्योंकि शाम को इसने देख लिया पकौड़े मिलने वाले हैं। मैंने बोला उतर जा, उतरना है तो। अब इसको अंदर से वो हो रहा है कि यार काश आज फोन लेने ना जाना होता, क्योंकि अपने तो खा के आती है, 4-5 दिन के पकौड़े पैक करके लाती है। भाई बादल देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सीनरी बनी हुई है कोई। तो ये फ्लाइट जा रही है मुंबई, वैसे ही ठस्सा मारा मैंने तो। आमची मुंबई। ये क्या बारिश चालू हुई क्या? यस अभी सुबह ना मैंने ऐसे वाइपर चलाया, ऐसे वाइपर चलाया, प्रीति दरवाजा खोल रही थी, उसके ऊपर छींटे गई, गाय पहले अपने को स्टैचू लग रही थी, कांगी असली है भाई। चलिए इसको बेड से बढ़िया नींद ना गाड़ी में आती है, तो ये गाड़ी में 2-3 घंटे मस्त सोती है डेली। तो क्या होता है बेसिकली, या तो कोई मोबाइल मिल जाए, मोबाइल देखती रही, मोबाइल तो इसके बाद कुछ है नहीं, तो वहां जमा है, तो ये सो रही है।
आज सुबह करोल बाग में भी इतना जाम नहीं है, सबके सब घूमने गए हैं यार। हमारा भी घूमने का प्लान बन रहा था लेकिन वो प्रीति के चक्कर में कैंसिल हो गया, नहीं तो हम भी 4-5 दिन के लिए कहीं पहाड़ों में या कहीं पर भी मौज ले रहे होते। हाँ, जैसे खाली करोल बाग हम ही आए हुए हैं। और आज डे भी क्या सैटरडे। तो प्रीति दुकान वाले भैया से लड़ने जा रही है, हम नहीं जा रहे इसके साथ, हम दूर ही खड़े होंगे। पंखा देख रहे हो भाई, सही जुगाड़ कर रखा है। कीरत को हमने यहाँ पर बिठा दिया, ये भी आराम कर रहा है और प्रीति अंदर लड़ाई कर रही है। तो प्रीति अंदर झगड़ा कर चुकी है, क्या कह रहे हैं? मैंने झगड़ा नहीं करा, मैंने बस प्यार से बात करी। इतना चिल्ला के बाहर तक आवाज आ रही थी, अब ये गिरने वाली है। बहन मेरा हाथ पकड़ ले, बहन मेरा हाथ पकड़ ले। इसकी हील की जो वो होता है ना नुकीला वाला पार्ट पीछे इतना लंबा, वो इसके अंदर घुस जाता है। तो प्रीति का फोन तो मिला नहीं, प्रीति सोच रही नया फोन ही ले लूं, और ये सोच रही है सैमसंग में चली जाऊं। ये फोन फोल्ड वाला अच्छा लग रहा है, ये फोल्ड 3 है, लेकिन एक चीज और दिखाऊं, ये देखो भाई, ये अंदर 1 किलो मिट्टी रखी हुई है भैया ने। भैया सोना है क्या छुपा के? क्या बता, चांदी वांदी सोना छुपा के रखो? ये खोलते नहीं क्या? लास्ट कब खोला था इसको? महीना भर होगा भाई। मिट्टी ऐसे निकल रही है अंदर से, लेकिन इसमें एक घाटे वाली चीज है, ऐसा वो बता रहे हैं। सबके साथ नहीं होता कि अगर तुम अंदर की स्क्रीन ज्यादा यूज करोगे ना तो हो सकता है उस पर लाइन्स आ जाए, लेकिन फोन बहुत बढ़िया है। प्रीति कह रही है कि मेरे को ये ले दो। प्रीति कह रही है मैं ले रही हूँ, तेरे को गिफ्ट कर रही हूँ। तो वो तो ले देगी। हाँ। उसने बेचारे ने तो फिर मिट्टी दिखा दी है, किलो किलो जमी है। प्रीति तो 6-7 महीने नहीं खोलेगी कितने किलो जम जाएगी? उनके फोन में मिट्टी है, प्रीति का फोन मिट्टी होगा। एक हमें ये फोन भी अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा मिनी है, बहुत ही ज्यादा मिनी। ये देखो कौन से? गियर मत दियो भाई, लेना पड़ जाएगा, गिर गया तो है छोटा सा। ये देखो, ये मेरा हाथ और ये इतना सा फोन। फिर से पहुंच गया यहाँ पर हम, मिल जाएगा आज भैया। सुन लो क्या कह रही है, कह रहे अगर नहीं मिलेगा भैया को घर ले जाऊंगी। मेरा सारा डाटा होगा भैया। मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है, फोन मिल गया। और हमें हमारा यहाँ पे एक सब्सक्राइबर मिला था जो हमें एक जिम बैग देकर गया। सही है भाई, फाइनली प्रीति का फोन तो आ गया है, और हमें नहीं पता ठीक हुआ या नहीं हुआ क्योंकि ये चार्ज ही नहीं था। अपने दुकान पे 2 बार ऑन करने की कोशिश करी चार्ज पे लगा के, ऑन ही नहीं हुआ बिकॉज उसको पैसे ट्रांसफर करने थे। तो प्रीति ने बोला जब तक ऑन नहीं होगा पैसे नहीं ट्रांसफर करूंगी, इतने में लाइट चलेगी। ऑन ही नहीं हुआ तो पैसे उसको दिए नहीं, भैया कम नंबर ले आए, जान बचाने वाले थे। अबे जब 14 आया नहीं, मैं अभी ले लूं नया फोन, पागल है क्या भाई? ये जो पीछे औरत बैठी है ना, इसका मास्टरमाइंड पता क्या चल रहा है, इसके दिमाग में चल रहा है कि मैं नया फोन ले लूं और 13 प्रो मैक्स इसको दे दूं। मैंने बोला भाई 2 महीने बाद 14 आ रहा है, अगर नया लेने को तो 14 लूंगा ना। कह रही नहीं तू नया ले ले, कोई भी ले ले, लेकिन तू ले ले, मेरे को ये वाला दे दे। अभी भी कह रही है, और शक्ल ऐसी बना लेती है ना, वो बोली सी गाय नहीं होती भाई, इसलिए होते। लेकिन मेरे को नया फोन लेना क्यों है जब मेरा यही वाला नया 6 महीने मेरे को इस फोन का हुआ है। बात पैसे की नहीं है, बात यह मैं नया क्यों लूं? बात पैसे की नहीं है, 14 लेना। हाँ लूंगा, अपग्रेड होगा ना, 14 लूंगा, 13 बेच के 13 ले लूंगा, ये 13 इसको दे। लो भाई यहाँ पर हम क्या करने आए हैं? नेता बनने? नहीं नहीं, कुर्ता पजामा सिलवाने। तो नेता ही पहनता ना कुर्ता पजामा। डैडी जी भी साथ ही आए हैं। कुर्ता पजामा ड्रॉप शोल्डर वाला सिला ले। देखो भाई इतने सारे हमने कपड़े देख लिए हैं, और कुर्ता पजामा हम ले क्यों रहे हैं? हमारी नई गाड़ी की डिलीवरी आने वाली, तो वहाँ पहन के जाएंगे दोनों, जीजू और मैं। मतलब एकदम वो कहते हैं ना शहनशाह वाली फीलिंग, ऐसे हाय हेलो करते हुए, ठीक है भाई। तो इसका भी कुर्ता पजामा सिला जा रहा है। वो देखो जो हमने कुर्ते पजामे सेलेक्ट करे हैं ना, डैडी ने भिगवा भी दिए हैं, वो भिगो दिए भाई ने। डैडी का बस नहीं चल रहा, आज ही सिलवा के दे दे मेरे को। आ जाओ सिलवा के आओगे क्या? और क्या, और क्या, क्या शानदार लग रहा है ना। और ये अम्बेसी है आइसलैंड की, उन्होंने बनाया हुआ है। ओके हाय हाय हाय। तो वैसे तो उस भैया ने कुर्ते पजामा एक हफ्ते में सिल के देना था, लेकिन डैडी जी साथ में थे ना, तो भैया ने बोला 2 दिन में ही दे दूंगा। 2 दिन में पक्का दे देंगे ना डैडी जी?
बढ़िया, दो दिन में आप देख भी लोगे मेरे को पहने हुए। एक तो इसने शीशे पे घी लगा दिया ना सर से, तेल लगा दिया सारा, सामने सारा ब्लर नजर आता है। जाम लगा हुआ था, बम्पर उखड़ गया भाई, ये वाली स्कूटी ने उखाड़ा। ओ प्यारी आ जा, इतनी देर से हॉर्न मार रहे सुनाई नहीं देता। पायलट बनना? नहीं नहीं, क्या 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 प्रीति कह रही है? ये एयर होस्टेस बनेगी, मैं चाहती थी ये प्लेन चला ले, प्लेन चला ले वाला एयर होस्टेस होता है भाई। है? नहीं नहीं, मेरे को आज पता लगा है, जितने बंदे प्लेन चलाते हैं वो पायलट नहीं होते, वो एयर होस्टेस होते हैं, और जो अंदर वो काम वाम कर रहे होते हैं वो एयर होस्टेस नहीं, वो पायलट होते हैं। मैं कह रही हूँ पायलट बने, पर मैं कह रही हूँ ऐसे स्टाइल बनाकर आइए एयर होस्टेस बनेगी। ये बनाना क्या है, एयर होस्टेस या पायलट? मैंने कहा जब मेरी शादी हुई ना तो मुझे एक बात याद आई, मैंने इसको बोला कि हम कोटा चल रहे हैं ना, वहाँ एक चंबल गार्डन है। कह रही हाँ, मैं कहा वहाँ पे ना चंबल पे गार्डन पे मगरमच्छ पे 5 रुपए की सवारी होती है, ये मान गई। कह रही है मगरमच्छ की सवारी करूँ भाई। मैं कह रहा हूँ कभी कभार ऐसी बातें कर देती है ना, फिर आप बोलते अपनी बहन को छेड़ा मत करो। हम जान के नहीं छेड़ते भाई, वो है ही ऐसी। और अभी जा रहे 23 सेक्टर, इसको डोसा खाना है, मोमोज खाने है, वो खिलाने के लिए मैं बाहर का बिल्कुल नहीं खा रहा। प्रीति ने करा लिया 1.5 दर्जन मोमोज पैक अपने लिए। भाई ये क्या करंट ऐसा लग रहा है, ये प्रीति का फोन ऑन हुआ और मैसेज देखो कैसे आ रहे हैं भाई। बंद हो गया, नहीं बंद नहीं हुआ तभी तो इसके फोन का ऐसा हाल हो जाता है, आ रहे डैडी आ रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत ज्यादा रश था, खाने पीने की जगह नहीं थी, बैठने की जगह नहीं थी, बेसिकली खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इसलिए हम पैक करा के घर ही ले, आराम से घर पे बैठ के खाएंगे। तो बोला इसमें मत रख, इसमें मत रख, ये साइड पे रख दे रोटी। रोटी बताएगा तो और बना, एक और बना दे बस। तो मैं खा रहा हूँ दाल वाली रोटी साथ में चिकन का अचार। क्या नाम था बंदे का? बंदे ने अपना नाम नहीं बताया। बंदे का नाम है चना बर्फी। चना बर्फी जी, हमें देखे गए हैं 2 नोट और नोट का सीरियल देखो भाई, 13 13 13, और एक मेरे हाथ में भी है उल्टा पकड़ा हुआ, 13 13 13। हमारी गाड़ी का नंबर 13 13 13, हमारी बाइक का नंबर 13 13 13, आगे का नहीं बताना, आगे का नहीं बताना, सारे मिला के देख लो हमारे पास सब कुछ, गाड़ी बाइक फोन नंबर सब कुछ 13 13 13। अरे वो पड़ा तो है, कौन सी दीवार पे जाके सर मारू भाई, मुझे ये बता दो। अरे खाली डब्बा ये पड़ा हुआ दिख नहीं रहा था, ये है क्या इसके अंदर? अभी तो नाम दिखा रहे थे ना, बहुत अच्छी मिठाई होती है। मैंने फ्रेम क्या करा ना, संभाल के रखो। अरे घी लगा हुआ था ना, कहाँ साफ करूँ? सच में बढ़िया, सब्सक्राइबर ने अपना नाम नहीं बताया लेकिन जो भी है बढ़िया। हम लुधियाना आएंगे, आपको मिलेंगे, हमें बता देना, पक्की बात है। हमें क्या पता कौन है? अरे आप हमें मैसेज करना, समराला चौक में हमारा भाई रहता है, उसके पास आएंगे आपको मिलेंगे। ओ भाई मूवी का टाइम निकल जाएगा, क्या पट्टियां भर रही है, और टाइम 10:28 11:10 का हमारा शो है। ओ आजा यार प्रीति, माय गॉड फोन गिरा दिया। दिन में कितनी बारी गिराता है ये बता दे। एक बारी? दो बारी गिरता है। फाइनल कर ले, मेरे ख्याल से 3 बारी तो गिराता होगा। नहीं 3 बारी यार, मैंने 3 बार तो देखा यार। 2 बारी। ये तो शुक्र है जिस मूवी हॉल की टिकट हमने बुक कराई ना, हमारे घर से 10 मिनट का रास्ता है, 10:46 सही हो गया है, मतलब लगा लो 11 बजे तक हम गाड़ी पार्क वाक करेंगे, 10 मिनट अंदर जाने में लेंगे, बैठेंगे और मूवी शुरू हो जाएगी। वैसे 11:10 का शो होता है ना तो 11:30 मूवी शुरू होती है, वो 10 मिनट तक अपनी एड भी तो दिखाते हैं। इतनी मजेदार पिक्चर है, हम हमेशा इस मॉल में घुस जाते हैं, हमें पता नहीं होता और जाना हमें आगे उधर वो उधर सामने मॉल। हमारे भाई के टाइमिंग ना एकदम एक्यूरेट रहते हैं, बोला था ना 11 बजे तक हम गाड़ी पार्किंग लगाएंगे, मतलब 1 मिनट रह गया अभी हो जाएगा। और प्रीति आज पूरा दिन गुफार मार्केट अभी किसी का कॉल आया उसको कह रही है हम आज गुफार मार्केट गए थे, गुफार। ये आओ आपको मॉल दिखाए, कब आएगा? आ गया भाई, ये तो हम ही दिख रहे हैं, बंद हो गया ना मॉल पूरा। आज कौन से मार्केट घूम रही थी? गुफार। सही टाइम पर आ गए भाई, मूवी शुरू नहीं हुई भाई। इस औरत को अपने पति के साथ बैठना था और मैंने बोला मूवी रक्षाबंधन देख रहे हैं, ये तो भाई के साथ बैठना, नखून मारूंगा। मत करा करना। इंटरवल हो गया भाई। गिर जाता भी सारा भाई, इतनी बड़ी टोकरी कौन खाएगा ये? दी एंड हो गया भाई, और पिक्चर खत्म होते होते कीरस हो गया, लेकिन मूवी भाई 1 नंबर, मजा आ गया। चप्पल तो
भाई मेन सीन तो बता दे प्रीति यहाँ क्या हुआ है। वो बार बार आके प्रीति की शक्ल देख के बोल रहे रिफिल कर दूं, रिफिल कर दूं। बड़ा रोई हूं, पिक्चर बहुत अच्छी लगी। अच्छी थी ना, मजेदार, बहुत अच्छी। और बाय चांस की बात है, यहाँ पर काउंटर पे ना हमारा सब्सक्राइबर खड़ा हुआ था जहाँ पर पॉपकॉर्न वगैरह मिलते हैं, और प्रीति ने भाई कम से कम 10 बार ही रिफिल करवा ली, पेप्सी भी और पॉपकॉर्न की बकेट भी करवाई जा रही और खाई जा रही खाई जा रही। पिक्चर खत्म हो गई, वापिस आ रहे हैं, फिर रिफिल कर दो। चलो भाई, ये क्यों हाथ जोड़ रहा है? ये प्रीति को देख के हाथ जोड़ा, बस कर और कितना खाएगी। घर लेके जा रही है, अभी भी खाई जा रही है भाई। सही बता रहे, सोया हुआ था, एक्टिंग कर रहा था, झूठे है भाई। अभी एकदम से तेरी नींद भी खुल गई। घर पहुंचते भाई 1:53 दो बज गए। तो आज ही मोबाइल ठीक कराया और आज ही सूख जाएगा, चेक करना है ना प्रॉपर। ओके, कम से कम 3 घंटे का मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ, तड़ी पार हो जाएगा। कैसे हो गार्ड भैया, कहाँ घूम रहे हो? पानी चालू करने आया। अच्छा चलो ठीक है। हमारे एरिया में इतनी सिक्योरिटी है ना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सिर्फ हम ही मारते हैं पर, पूरी रात भर घूमते रहते हैं यहाँ। तो भाई सही सलामत एकदम बढ़िया तरीके से मूवी देख के हम घर पहुंच चुके हैं, और मूवी मेरे को बहुत बढ़िया लगी। तू ये बता, तू सो क्यों गया था मूवी के बीच में? है नींद आ गई थी? इसने इंटरवल के बाद लगा लो 15-20 मिनट मूवी देखी होगी। देखो बच्चा थक जाता, सुबह तक खेल रहा होता, लेकिन मूवी एक नंबर भाई, आप लोग भी जाना देखने के लिए। बाकी ठीक है, ओप करते हैं। अच्छा 2% बचे, 2% में हम फटाफट से वीडियो एंड कर लेते हैं, उसके बाद ये सो जाएगा और मैं भी सो जाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक देख ले, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं इसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। मेरी शक्ल देख रहा है, ढक्कन वहां बंद करना है, मेरा ढक्कन थोड़ी बंद करना है, कैमरे का करना है ना, तो वहां देखा कर। चलो भाई, वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।